It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? मेरी दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी है, तो वो कह रही थी कि मेरे से सफाई नहीं हो पाती, तो यहाँ पे सफाई कर दो। तो अब मैं यहाँ की सफाई कर रही हूँ, झाड़ू मार रही हूँ, काम कर रही। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना मेरी बेइज्जती हो रही है। काम तो आना चाहिए, चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, अमीर हो जाओ, कुछ अब काम, कहीं ना कहीं काम आता है ये सब, और किसी के लिए नहीं, खुद के लिए आना चाहिए। ये छत से व्यू है हमारा मंदिर। यार गाइस, मेरा ना नेट नहीं चल रहा, मेरी जिंदगी खराब हो रखी है। मेरी पोनी टेल देखो कितनी सारी बन रही है। इसे कहते हैं मार्चा। दादी आप क्या कर रहे हो? क्या मार्च? दादी कह रही है इसके लड्डू बनता है, सूजी बनती है और बहुत कुछ बनता है। देखो आम का पेड़, कैन यू सी, बहुत सारे आम के पेड़ हैं। ये आंवला का पेड़, ये आंवला का पेड़ है, और ये आम का पेड़ है। तो अनार का पेड़, वो अनार का पेड़ है, अगर आपने कभी नहीं देखा तो। अमरूद का, उसके बगल में हाँ। अमरूद लगे नहीं है ना, पर अभी नहीं। उसके बगल में पपीता का, हाँ वो पपीता का पेड़ तो देखा है वो। ये वाला पपीता है, ये अमरूद है, ये अनार है। इमली का पेड़, कौन सा वाला? ये सामने वाला, ये अच्छा ठीक है। ये बेल, उसकी तोरी, घिया, घिया के बेल। ये क्या है? ये तो मार्चू। अरे हाँ, यही से निकाले क्या मार्च? ये तोरी का पेड़, ये पपीते जैसा है, थोड़ा थोड़ा नहीं अलग है। ये कद्दू का पेड़, ये खेत किसका है? ऊपर वालों का। अच्छा, ये देखो दादी का दोस्त। कितना सुंदर है पर ये, वाह, जेट ब्लैक कलर का था, ऐसा लग रहा था किसी ने हाथ से बनाया उसको, ड्राइंग करके। तो घूमने निकल चुके हैं और थोड़ी सी तैयार हुई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है वीडियोस वगैरह बनाऊंगी इस वजह से। एंड यस, दिखाती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। ये देखो, ये घर है और यहाँ पे वॉशरूम है। अगर रात को इनको आना होता तो इतनी दूर आते हैं, दैट इज़ वाई, बस दिस इज़ द ओनली फियर आई हैव यहाँ का। तो देखते हैं हम कहाँ जाने वाले हैं। हमारे आगे भी कुछ लोग जा रहे हैं, पता नहीं कौन है। और ऊपर की साइड जाएंगे पड़ियान से होते हुए, पड़ियान में पानी लेते हैं बहुत सारे लोग, तो फॉलो मी। नीचे खाई है, आँख घटी, दुर्घटना घटी, खाई नहीं है, खेत वगैरह है, पर ऑब्वियसली यहाँ से गिरोगे तो कुछ ना कुछ तो हो गई। ये है पण्यान, जहाँ पर लोग पानी भरने आते हैं, सारे पेड़ खेत वेत है लोगों के, तो आते हैं यहाँ। ये है पण्यान, अब यहाँ पर लोग हैं, ठंडा पानी, स्रोत का पानी आता है बहुत ही ज़्यादा, पूरा पता है झूले वूले थे पेड़ से बने हुए, ड्रैगन फ्लाई, हम इसे हेलीकॉप्टर बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? पंचायती घर। कोरोना के बहुत ठंडक पड़ रही है वहाँ, पक्का बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, पूरा कोहरा लगा हुआ है वहाँ। यहाँ देखो कितनी छाया ना, और जहाँ हमारे घर है वहाँ धूप है, और वहाँ ऊपर देखो कोहरा लगा पड़ा, पूरा बारिश हो रही होगी। दादाजी की दुकान, पहले के गांव के छत ऐसे होते थे, अब लेंटर पड़ने लगे हैं, बट पहले ऐसे होते थे। इस घर में कोई रहता नहीं, अब तो टूट गया पूरा। पापा, हमारा पेट कम हो जाएगा, हम 4 दिन ऐसे चलेंगे। तो हमारे गांव का नागरजा देवता मंदिर यहाँ पे भी, जय हो। सड़क पे हम आ चुके हैं और
गांव में आके ना एक चीज बहुत फील होती है कि आप बहुत बड़े हो गए और आपकी शादी होने वाली है। मेरे साथ अभी यही हो रहा है, लिटरली जो मिल रहा है यही बोल रहा है, इसकी शादी होने वाली है, अब इसकी शादी करा दो। इधर से खींच ले थोड़ी, जरा मेरे पापा को देखो, कह रहे मेरी फोटो इधर से खींचे, जरा मेरी खींच नहीं रहे, खींच के आती हूँ। बस इतना नाटक मत करो, अभी आयो आप। ये है मेरा टिहरी गढ़वाल, चिड़िया पक्षियों की आवाज आ रही होगी। छोटे से गांव में हाँ, उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव मलकोट, एंड दादाजी की दुकान जिसके लिए हम आए हैं। पूरा वहां से घूम घाम के दादाजी ने मच्छर भगाने के लिए जलाया है, जिससे मच्छर ना आए। ना ना कोई बात नहीं, आप बैठो। ना ना यहाँ पर बैठो, ऐसे क्यों आ रहा है यहाँ? कभी कभी कुछ ज्यादा क्लिक हो जाता है, जैसे अभी क्लिक करोगे ना हाँ। तो ऐसा आ जाएगा अच्छा। पर कभी कभी आपका ऐसे आएगा हाँ। तो आपको क्या करना है, ऐसे जाके ये जो एरो का साइन है ना अच्छा। इसका मतलब होता है पीछे जाए अच्छा। तो जैसे आप पीछे जाओगे अच्छा। तो वापस से आपको सारे मैसेजेस अच्छा। दिख जाएंगे हाँ, तो एक अब तक मैंने बहुत कोशिश की ना हाँ। अच्छा, अभी इसको पिक बैक करने के लिए हाँ जी। अब हम जा रहे हैं नीचे, हमारा ऊपर का काम थोड़ा सा, जो थोड़ा बहुत था, काम तो कुछ नहीं था, घूमने ही आए थे। और दादाजी की दुकान से दादी को झाड़ू चाहिए था और मैं एक कुरकुरे लेके आई हूँ, और गिप्पी जयश्री पुप जी का खेत, और ये उनका घर, ये अकेले रहती है, देखो आसपास घर भी नहीं है। पुप जी का घर, ये घिया है, घिया देखो कितना बड़ा घिया, गांव का घिया मेरी दादी बनाती है घिये की सब्जी। वेलकम टू नीतीश। यह गांव के भुट्टे छोटू से दादाजी भी खाए, बगल वाले ताऊ जी ने दिया, जिनका ये वाला घर है, इनका ये वाला घर है, उन्होंने दिया। ये रात का नजारा गाइस, देखो बिच्छू, अगर आपने कभी बिच्छू नहीं देखा वही देख, तितली मैं क्या लूं, वहां पे भी कुछ कीड़े हैं। पापा बिच्छू मार रहे हैं, मर गया, पापा ने बिच्छू की हत्या कर दी है, तड़प रहा है पापा, अच्छे से मारो, वो भी तड़प रहा है। छी इसका ब्लड, आप एक खूनी हो पापा, खूनी हो आप, खूनी। इसे देख लीजिए सुबह का व्यू, आज की गई है बहुत ही खतरनाक सफाई, एक गैस मैंने साफ किया, अच्छी तरीके से सारे बर्तन मैंने धोए हैं, और दादी और पापा ने किया है किचन की सफाई, कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो गांव पूरा खाली हो चुका है, पहले तो बहुत लोग थे, ये जो घर है ये खाली हो चुका है, इन ताई जी के बगल वाले दोनों घर खाली हो चुके हैं, वहाँ पे जो रहते थे वो देहरादून रहते हैं, अब यहाँ पे किराए पे, वहाँ पे स्कूल है ना, स्कूल की एक मैम रहती है बस, और ये भी किराए, मतलब यहाँ भी कोई नहीं रहता, और ये जो घर है ना पूरा टूट चुका था, फिर कोरोना में जो जिनका ये घर है ना वो यहाँ आए, इन्होंने पूरा घर बनवाया और अब ये यहीं रह रहे हैं। वहाँ पे आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, हाँ दिस, ये दोनों घर, ओहो फोकस चला गया, ये दोनों घर जो हैं ये भी एकदम खाली हो चुके हैं, यहाँ पे सफ़ेद वाला घर खाली हो चुका है, इन दोनों में अभी भी लोग रहते हैं। एंड यस, ऐसे ही होता है, गांव की लाइफ अच्छी है, बट वही है यहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी एंड जॉब फैसिलिटी है नहीं। अब हम जा रहे हैं खेत में दादी के साथ, और मैं आपको दिखाऊंगी कि खेत में कैसे काम करते हैं गाँव के लोग, और रास्ता कैसा था, और ये गाँव के भुट्टे जो अभी हम खाएंगे पापड़ में जाते वक्त, तो चलो मेरे साथ। दादी करिए गेट बंद, मैंने बाल बांध लिए क्योंकि गांव में ऐसा बोलते हैं कि बाल खोल के नहीं जाते, एंड मैं भुट्टा खा रही हूँ, स्लैश की आवाज आ रही है, अमरूद जो अभी कच्चे हैं। ये किस चीज का है? तोरी, तोरी, तोरी। ये देखो कीड़े ने खा रखे इनको। हम जा रहे हैं नदी की तरफ,
अच्छा हमारे खेत है। पहले तो हम रोपनी रोपाई करते थे, पर अब हम सब दिल्ली रहते हैं, दादा दादी अकेले रहते हैं। तो करेला का करेला। कौन सा ये? इसको मैं हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं पिछली बार मम्मी के साथ आई थी कपड़े धोने के लिए, पर खेत में नहीं गए थे हम, इस बार खेत में जा रहे हैं। सो लेट्स गो। देख आम का पेड़, वो आम लगे हुए हैं। हाँ, बड़े बड़े तो लगा नहीं रहा, पर अभी खट्टा सी सब दुकान वाला है। अब कैमरा मेरी तरफ, अगर मेरी वीडियो अगर नहीं आ पाई तो समझ जाना मैं नीचे रड़ गई। मतलब क्या है मौसमी? मौसमी मेरा फेवरेट है। कमेंट सेक्शन में बताओ आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। माइन इज मौसमी, बट अभी बहुत हरी है, मुंह में पानी सा आ गया, खट्टा खट्टा। आराम से, इस बार सांप भी होते हैं इस टाइम पे बहुत ज्यादा। ओह माय गॉड, अंदर गर्मी होती है तो बाहर निकलते हैं। ये देखो अरबी, ये पानी आता था फिर पूरे खेत में हल लगाते थे। अब ये गांव में टेरेस फार्मिंग होती है, तो यहाँ पर हम वो तो कर नहीं सकते, ट्रैक्टर बुला नहीं सकते, इस वजह से यहाँ पे गायों को बैलों को लेके आते थे और फिर उनसे हल लगवाया जाता था पूरा यहाँ पर। और रात रात को पानी आता था, तो लोग खेतों में रात रात तक यहाँ पे पानी का वेट करते थे जड़ों में। अच्छा, ये गाइस हल्दी है जो कि हमारी सबसे बेहतरीन खीरा के खीरा खीरा वाह। देखा हमने आपको किस किस चीज के पेड़ दिखा दिए। भिंडी लगी हुई, भिंडी का हाँ, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी भिंडी है। ओ भाई, ये है हमारे खेत। ये देखो पानी आ रहा है, भिंडी दिखा दे, दिखा दी मैंने। ये देखो भिंडी, मिर्ची दिखा, मिर्च के पेड़, मिर्च सारे मिर्च के पेड़ है। ये मिर्ची लगी हुई है, मिर्ची भी लगी हुई है, बट ये काली मिर्ची क्यों है? ये लाल लाल हो रही है। अच्छा लाल होंगी। हाँ, ये धान है जिसमें चावल निकलता है, और हम जो भी रोटी खाते हैं वो अपनी खेत से ही, मतलब हाँ चावल निकलते हैं। बताओ पापा, आप ही बताओ। ये है धान जिसमें चावल निकलते हैं। देखो ये अभी अभी आ रहे हैं, देखो ये चावल वो आ रहे हैं, चावल के बीज। पानी लगाने के लिए देरा गधेरा। अब लोगों को क्या पता गधेरा क्या होता है, जो देसी लोग है। गधेरा होता है जहाँ से पानी आता है, नदी नहीं होती वो, पर समझाना मुश्किल है। अब क्या कर रहे हो? ये जो भी कबाड़ा है उसको निकाल दिया दादी, पानी रोक दिया है ताकि जो भी पानी आए सीधा यहाँ से। अब वहाँ पे किसी ने पानी रोका होगा ना पापा, वो हटाने गए, फिर यहाँ से सीधा पानी आएगा और सारे धानों में पानी पहुँच जाएगा। जाना पड़ रहा है मुझे, शुक्र हो ये कंडाली नहीं है नहीं तो मेरी अभी मैं गिर गई थी। ओ माय गॉड, यार देखो पानी। ये चीड़ के पेड़ नहीं थे, अब होने लग गए ना, वही तो पहले तो नहीं थे। ये सारे चीड़ के पेड़ आपने देखा होगा, इनसे ना एक ब्राउन कलर का कुछ ऐसा गिरता है, उसको लोग सजावट में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मैंने चप्पल निकाल दिया, मैं नंगे पाँव आई हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बस खुजली भी हो रही है। दादी कहाँ पहुँच गया? मैं बाहर निकल रही हूँ क्योंकि कच कच हो रहा है, मेरे को आदत ही है ना। चलो बंद कर दो। यहाँ साफ पता चल रहा है, हमने गुर्च दिया इसको, गुर्च मतलब दबा दिया, और मेरी दादी पूरा घूम रही है, कहीं कहीं पता नहीं चल रहा, इसीलिए कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये देखो ठंडा पानी इतना है ना, मैं इधर जाती हूँ। ये देखो थोड़ी सी घास, आप ये घास किसका दोगे? जहाँ से दूध लेके आते हैं दादी उनको घास दे कर रहे हैं ताकि पानी बाहर ना जाए और उस खेत में भर जाए। देखो पूरा बंद कर दिया, अब ये नीचे खेत में जाएगा पानी और इधर नहीं आएगा, वरना ये पानी इधर चला जाता और फिर वे वहाँ खेत में नहीं जा पाता। वापस जा रहे हैं, हमारा काम हो चुका है। पापा मजा आया? बिल्कुल मजा आया, बहुत दिनों बाद खेत में पानी लगाया है ना। पहले तो हल लगाना आते थे,
करीब दादी कह रही है एक बार रात को 3 बजे पानी आया था, तब रात के 3 बजे दादी और पापा खेत में आए थे, लाइट लोड नहीं होती थी, तो आपको डर नहीं लगता था उस टाइम पे? नहीं डर नहीं थे, तो भी लोड फिर भी यार रात को तो कितना डर लगता है, क्या करना, काम तो करना ही है। अब तो जैसे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह लग चुकी है, उस टाइम पे तो लाइट भी नहीं थी, हाँ घर पे भी नहीं थी, कितना अंधेरा हुआ करता, टॉर्च से क्या तो रोशनी होती है।